इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग यह जजमेंट आज भी यूज़ किया जाता है और यह मामला आज भी चर्चे में है। आर वी टॉल्सन 1889 को पूरी तरीके से बताया गया है कि पति की मृत्यु के विश्वास हो जाने के कारण उसने पुनः विवाह मतलब दूसरी शादी कर ली थी। यह पूरा मामला क्या था इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मिसेस टॉल्सन और मिस्टर टॉल्सन बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक कंपनी में काम किया करते थे, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और वह हैप्पीली मैरिड कपल थे। बट हस्बैंड की जॉब US में लग गई, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा। वह जहाज की यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले थे। उन्होंने अपना टिकट बुक करवाया और जहाज में चले गए, बट जहाज समुद्र में कहीं खो गया। ये क्या कह रहे हो? It's true, ma'am. उसके बाद कहीं मिला ही नहीं, किसी की ना लाश मिली ना किसी की डेड बॉडी मिली, जिसके कारण सभी को यही लगा कि अब मिस्टर टॉल्सन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। उनके साथ में जितने लोग थे वह भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोई भी नामो निशान नहीं मिला है और जहाज भी नहीं मिला है। लगता है समुद्र में वह पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके बाद मिस्टर टॉल्सन की मृत्यु हो जाने के कारण मिसेस टॉल्सन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बहुत साल तक उन्हें खोजने की कोशिश की। खोजने के बाद भी वह ना मिलने के कारण कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वह नहीं आएंगे, और वह इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ जी रही थी कि उनके फ्रेंड थे जो उनसे शादी करना चाहते थे, बट वो सारी सिचुएशन जानते थे मिस्टर टॉल्सन और मिसेस टॉल्सन के बीच में क्या हुआ कि वह गए और उनकी मृत्यु हो गई है, जहाज नहीं मिला है, उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे, सारी चीज़ें उन्हें पता थी। उसके बाद मिसेस टॉल्सन को उन्होंने प्रपोज किया, बोला कि आप क्या मेरे साथ शादी करना चाहोगी, मुझे आपकी सारी सिचुएशन पता है कि मिसेस टॉल्सन आपके साथ क्या हुआ है, मिस्टर टॉल्सन अभी तक नहीं आए, समुद्र में उनका जहाज नहीं मिला है, अब वो नहीं आएंगे, आप क्या मुझसे शादी करोगी, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है कि आपका जो पास्ट है वो कैसा था और कैसा रहा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे बस शादी करनी है। तो मिसेस टॉल्सन की फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं था, उन्होंने बोला चलो आप शादी कर लो। अब एंट्री होती है मिस्टर टॉल्सन की। ये शादी नहीं हो सकती। के ऊपर मिसेस जॉनसन के ऊपर केस किया गया कि आप मेरे रहते आपने शादी कर ली। यह पूरा मामला था। अपीलकर्ता ने सितंबर 1880s को मिस्टर टॉल्सन और मिसेस टॉल्सन ने शादी की थी। 1881 को उनका जहाज समुद्र में खो गया और मिसेस टॉल्सन पूरी तरीके से अपने आप को विधवा मानने लग गई और मिसेस टॉल्सन नहीं मिली। बट 4 साल बाद वह पुनः विवाह के लिए राजी हुई, जो 1884 को थी। मिस्टर टॉल्सन ने केस किया 1884 को कि मिसेस टॉल्सन मुझे धोखा दे रही है और वह दूसरी शादी कर रही है। कानूनी मुकदमे के अकॉर्डिंग अपीलकर्ता को दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मतलब उस महिला को दूसरी शादी करने के लिए दोषी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कोर्ट का क्या फैसला होगा। फैसला आया कि अपीलकर्ता के मामले में अपीलकर्ता मतलब वह महिला मिसेस टॉल्सन दूसरे विवाह के लिए दोषी नहीं होगी। इस जगह पे यह अपराध नहीं होगा, इस जगह पर तथ्यों की भूल होगा, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट होगा। इसके कुछ रीजन थे कि जो महिला थी उन्होंने हत्या की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे मिस्टर टॉल्सन की मृत्यु हो जाए, वह जहाज पर गए और जहाज डूब गया, जिसके कारण पूरी तरीके से एक नेचुरल डेथ की तरह लग रहा था। और उसके बाद जब वह शादी करने के लिए राजी हुई तो उसके बीच में 4 साल का गैप था। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद तुरंत उन्होंने शादी कर ली। 4 साल के बाद वह शादी करने के लिए राजी हुई। 2 साल तक उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें खोजा, ना मिलने के बाद वह 4 साल के बाद वह शादी करने के लिए राजी हुई। अपीलकर्ता ने यह बताया कि मिस्टर टॉल्सन जब जिंदा है तो 4 साल तक मुझे ना कांटेक्ट किया, ना कॉल किया, ना मैसेज किया,
और मेरे डाउट को क्लियर नहीं किया कि वह जिंदा है। अगर मुझे पता होता कि वह जिंदा है तो मैं कभी भी दूसरी शादी के लिए हामी नहीं भरती, दूसरी शादी नहीं करती। इस सिचुएशन में कोर्ट ने फेवर लिया मिसेस जॉनसन का, क्योंकि उन्हें तथ्यों की भूल हुई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि मिस्टर जॉनसन जिंदा है, बट उन पे चार्जेस लगे कि उन्होंने शादी कर ली। जो भी महिला को लगता है कि अगर उनके पति मर चुके हैं तो लगने के कारण कि उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वह पूरी तरीके से इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते कि वह दूसरी शादी कर सकते हैं। यह एविडेंस है कि वह उनका पति पूरी तरीके से मर चुका है या खत्म हो गया है या उनकी डेथ हो चुकी है, तो वह दूसरी शादी कर सकती है, इसमें कोई भी